हेलो एवरीवन, इन अवर पार्ट वन ऑफ चैप्टर फाइव ऑफ ऋग्वैदिक एज द राइज ऑफ इंडो आर्यंस एंड इट्स मेन फीचर ऑफ द लाइफ इन अर्ली वैदिक एज वी डिस्कस द ओरिजिन एंड राइज ऑफ इंडो आर्यंस द थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस विच इज़ द थ्योरी ऑफ सप्त सिंधु द थ्योरी ऑफ तिब्बत द थ्योरी ऑफ आर्टिक रीजन थ्योरी ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी विच ऑल आर रिजेक्टेड एंड टू सम एक्सटेंट द थ्योरी ऑफ सेंट्रल एशिया इज एक्सेप्टेड. Then we study the rise of the Indian Aryans in the Punjab. The Aryans are believed to have come from Punjab in two main currents. We discuss the difference between the Aryan and the non-Aryan tribes, wars among the Aryan tribes, position of non-Aryan tribes. Because Aryans are the well-built, structured person, physically well-built. But the non-Aryans are the black skin, flat nose and having odd features. And they are regarded as das by the Aryans. Okay. Then in today's lecture we have to study the main features of the life in early Vedic age. In today's lecture we discuss the social and economic condition of the people during the Rigvedic age. Though devoted more of the detailed explanation of the moral and spiritual state, the Vedic literature contains frequent reference to the daily life of the early Aryans in Punjab. कि वो बताते हैं कि डेली लाइफ जो अर्ली आर्यंस थी पंजाब में वो कैसी थी. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोशल लाइफ कैसी थी अर्ली आर्यंस की इन द ऋग वैदिक एज. द फर्स्ट पीरियड था जब आर्यंस जो थे पीपल ऑफ द स्काई एंड द ओपन स्पेस, मतलब कि वेल बिल्ड वेल स्ट्रक्चर्ड पीपल थे. दे लिव्ड इन द विलेजेस एंड देयर डोमेस्टिक लाइफ वॉज वेरी हेल्दी एंड चेयरफुल थी. जब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे सोशल लाइफ में हमारे पास मेन चीज़ें आती हैं. फैमिली लाइफ आता है इसमें हमारे को, पोजीशन ऑफ वुमेन आती है, ठीक है. उसके बाद फूड एंड ड्रिंक, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, अम्यूजमेंट, आर्ट्स, कास्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन मोरालिटी एंड एजुकेशन. सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फैमिली लाइफ कैसी थी. जो मेनली फैमिली सिस्टम था ऋग्वैदिक एज में एंड द आर्यन पीरियड वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था. जो मेम्बर थे तो फैमिली के वो सेम हाउस में रहते थे. लाइक वाइज विलेज सिस्टम टाइप था, जो हेड था हाउस का उसे गृहपति बोलते थे. हेड को ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो हेड था उसे क्या बोलते थे, गृहपति बोलते थे उसे हम आर्यंस के हेड होता. जो मेनली जो फैमिली थी वो पेट्रियार्कल की, तो मेल हेड होता था उसे हम इसलिए गृहपति बोलते थे. और जो फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर फादर. पर जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में होता है कि मेल मेंबर हेड होता है पहले, तो क्योंकि फैमिलीज पेट्रियार्कल की थी, हेड को हम गृहपति बोलते थे. फादर हेड होता था फैमिली का, वो पनिश करता था अपने सन्स को फॉर रॉन्ग डूइंग्स. जो वो हम देखते हैं एंसेस्ट्रल टाइप देखते हैं हम, वो कहाँ से ड्राइव होता था, फॉर्म फादर साइड से ड्राइव होता था. अभी पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, कॉर्डियल रिलेशन से सारे मेंबर्स के बीच में आपस में प्यार भाव से वे रहते थे. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था. द ऑनर वर कंटेंट विद वन वाइफ वर द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली कुड हैव मोर. मतलब कि जो ऑर्डनरी पीपल थे उनकी क्या होती थी, एक पत्नी होती थी, और जो रॉयल फैमिलीज के तो उनकी बहुत सारी वाइफ्स होती थी. द मेंबर्स ऑफ फैमिली शेयर अ कॉमन लाइफ, शेयर करते थे, उनकी प्रॉपर्टी भी कॉमन थी और वो बिलोंग करती फैमिली एज होल. जैसे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में होता है कॉमन किचन, कॉमन वर्कशिप, कॉमन हाउस एंड कॉमन हेड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, ठीक है. अब पोजीशन ऑफ द वुमेन की हम अगर बात करें तो पोजीशन जो थी वुमेन की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत बेटर कंडीशन में थी. वुमेन एज अ इक्वल साइड हम माने जाते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. इक्वल टू एज फुट ऑफ अदर जेंडर विच इज़ अ मेल, हाईली रिस्पेक्टेड बोला गया है वुमेन को. Composer Veda names some ladies are also mentioned, most important being those of Gosha and Shikata Navara. All the religious ceremony जो होती थी performed by husband and wife together. मतलब कि जो अर्धांगनी जिसे हम बोलते हैं husband की, वो सारे religious ceremony में husband और wife together रहते थे. Every mother was more or less a goddess to the children. मतलब कि बच्चों के लिए उसकी माँ उसकी भगवान होती थी. वो sole mistress in the household matters में होती थी.
अकेला सारा घर संभालती थी. द कंसेप्ट ऑफ वाइफहुड वॉज वेरी आइडियल था, मतलब कि एक वफादार बीवी वफादार पति. वाइफहुड का मतलब कि एक चेष्टी, मतलब कि एक पवित्रता जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो घर संभालने में हो, पति पत्नी के रिश्ते में हो, चाहे वो बच्चों की परवरिश में हो, मतलब कि बहुत वाइफहुड का कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. चेस्टिटी पवित्रता ऑन द पार्ट ऑफ बोथ सेक्सेस वर हाईली प्राइज होती थी, मतलब कि एक दूसरे के लिए वफादार हो. बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह कुछ नहीं था. यहाँ द वाइफ वाज टू लव ओबे एंड अडोर हर हस्बैंड को करती थी, हस्बैंड लव हर नो लेस, हस्बैंड भी उतना ही प्यार. वो मैरिज जो थी एक सेक्रेट सेरेमनी थी, जैसे आम कंसेप्ट कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज का नहीं था, एक सेक्रेट सेरेमनी मानी जाती थी. 16 संस्कारों में से एक संस्कार जो होता है वो हम शादी का संस्कार होता है. अ वुमेन हैड फ्रीडम इन द चॉइस ऑफ अर पार्टनर, वुमेन को फ्रीडम थी. देखो उस टाइम की बात करें ऋग्वेदी की, कि फ्रीडम थी अपना पार्टनर चूज़ करने, विच इज़ प्रूव बाय प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर से वो चूज़ करती थी. कैसे फ्रीडम थी, ये नहीं कि ऐसी पसंद कर लिया. वुमेन को फ्रीडम कैसे थी चॉइस करने के अपने हस्बैंड को, बाय स्वयंवर. स्वयं मीन्स सेल्फ एंड वर मीन्स मैच. द वुमेन जेंटल इन नेचर होती थी, ग्रेसफुल इन फॉर्म, सेलेक्ट्स अमंग मैनी हर ओन लव वन हैज हर हस्बैंड. सेज द ऋग्वेदा, ऋग्वेद की बात है. पॉलीगेमी थी, जो मोर देन वन वाइफ वॉज रेयर थी. एंड पॉलीएंड्री वॉज अगेन द नेचर ऑफ आर पॉलीएंड्री. पॉलीगेमी मतलब कि वन मेल हैज़ मैनी वाइफ, एंड पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है कि ए वन वुमेन हैज़ मैनी हस्बैंड. तो ये आर्यन वुमेन के कंसेप्ट के खिलाफ ही था. विडो री मैरिज वॉज नॉट प्रोहिबिटेड. देखो उस टाइम में विडो री मैरिज भी प्रोहिबिटेड नहीं थी, कि कर सकते थे विडो भी मैरिज. इन्हें हाइम ऑफ ऋग्वेदा के हाइम में एक मंत्र में कहा, विडो इज एडवाइज टू री मैरिज. विडो को कहा जाता था आप रीमैरी कर लो. चाइल्ड मैरिज वह अननोन, कि चाइल्ड मैरिज के बारे में पता ही नहीं था. देखो उस टाइम की सोसाइटी कितनी अच्छी थी ऋग्वेदी की. जो हम आज सोसाइटी मांग रहे हैं वो हमारे ऋग्वेदिक पीरियड में, जो सबसे पहला शुरू हुआ है हरप्पन कल्चर के बाद एग्जिस्टेंस में, वहाँ सब कुछ था वो. अब उसके बाद हम देखते हैं फूड एंड ड्रिंक्स कैसी थी. वो सिंपल लाइफ जी रहे थे, वो आर्यन जो थे सिंपल लाइफ जी रहे थे. देयर फूड कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ पार्च ग्रेन, केक्स, कर्ड, वेरियस वेजिटेबल एंड फ्रूट. द फ्लैश ऑफ रैम्स, गॉड्स, इवन हॉर्सेस वर ऑफर्ड एज सेक्रीफाइस एंड ईटन, मतलब कि बलि वगैरह चढ़ा के जैसे देते हैं बकरे की, हॉर्सेस की, रैम्स, वो भी खाया जाता. बट ओनली ऑन फेस्टिव ओकेजन पे नॉन वेज खाते थे, ये दिखाया. सोम एंड सूर वर टू इंटॉक्सिक, मतलब कि ये जो कह रहे हैं शराब की मदिरा की बात हो रही है, सोम और सूर वो दो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स थी, ये जनरली टेकन बाय पीपल लेते थे. सोम वाज एक्सट्रैक्टेड होती थी जूस से और सोम प्लांट से होती थी. इट वाज आल्सो ऑफर टू द गॉड्स अकॉर्डिंग टू सेरेमनी, गॉड्स को भी ऑफर किया जाए अकॉर्डिंग टू द सेरेमनी मैंशन इन द सामवेद में मैंशन करी गई है. ठीक है, सूरा इज अ वाज अ काइंड ऑफ बियर थी, सूर जो थी वो एक काइंड ऑफ बियर थी, और जो सोम एक्सट्रैक्ट किए थे सोम प्लांट से. ड्रेस और ऑर्नामेंट्स कैसे थे वहाँ के, और वो अब हम देखेंगे वो ड्रेस और ऑर्नामेंट्स कैसे पाते थे. आर्यंस वो वेरी सिंपल क्लोथ थे, उनका कोई ज़्यादा स्टाइल नहीं था. उनका क्लोथिंग स्टाइल धोती थी सिंपल, अनदर शीट सफाई मैन पाते थे सिमिलरली सिंपल धोती ड्रेस वुमेन लेती थी. धोती और साड़ी बस आर्टिस्टली वोन होती थी. आर्यन ड्रेस वो मे बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स में हम करते हैं. फर्स्ट जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो करें नेवी वाज धोती, सेकंड वाज कुर्ता शर्ट, एंड द थर्ड वाज पगड़ी. तीन भागों में होते, धोती, कुर्ता और पगड़ी. कॉटन के बने होते थे, डियर स्किन के और वूल के होते थे. द रिच वोर करते थे आर्टिस्टिक क्लोथ फ्रीक्वेंटली, एम्ब्रॉयडरी वाले पाते थे अमीर लोग, गोल्ड से जिनकी एम्ब्रॉयडरी होती थी. मेन ऑर्नामेंट्स की बात करी जा रही, वो नेकलेस, ईयरिंग्स, ब्रेसलेट, रिंग्स एंड एंकलेट्स. दीज ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, प्रीशियस स्टोन. जो हो गया, अब जेम्स और पर्ल्स जो थे वर एम्बेडेड होते थे इन द ऑर्नामेंट्स में. ये ऑर्नामेंट्स उतारे हैं, वो फॉन्ट थे ऑर्नामेंट्स के, बोथ मैन एंड वुमेन. मैन लॉन्ग और कॉम्ड हेयर थे उनके, सब कुछ ये बता रहे हैं. अब उनके अम्यूजमेंट मतलब कि एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या करते थे. पीपल लेड अ मैरी पेस्टोरल लाइफ, मैन एंड वुमेन इंजॉयड देमसेल्फ फेस्टिव, मतलब कि जो त्यौहार होते हैं तो इकट्ठे हो जाना विद म्यूजिक, डांस करना, गाने गाना फेवरेट अम्यूजमेंट था पीपल का वहाँ के. वो क्या था, रेसिंग, हंटिंग एंड वॉर डांसेस करते थे. रेसिंग, हंटिंग और वॉर डांसिंग. द चैरियट रेस जो थी घोड़ेबाज एक्सट्रीमली पॉपुलर थी, हॉर्स रेसिंग. देयर गेम इंक्लूडेड द लॉयन होता था इनकी गेम में, एलिफेंट, बियर, ये सारी थी. वुमेन स्पेशल लव टू शो देयर स्किल इन म्यूजिक एंड डांसिंग में करती थी. मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात है वो ड्रम, फ्लूट है, ठीक है, और कौन से हो गए, वीना, पाइप्स एंड मैरिडम.
आर्ट्स, अगर हम आर्ट्स की बात करें तो अदर फाइनर आर्ट्स म्यूजिक एंड पोएट्री वेरी पॉपुलर थे। एक्टिंग भी फैमिलियर प्रोफेशन था, जैसे एक्टिंग जैसे लेडीज संगीत वगैरह पे एक्टिंग करते, फेस्टिव सीजन पे किसी की एक्टिंग करना के किसी आर्टिस्ट से, ये मतलब कि पॉपुलर था आर्ट्स में। ये हम उपवेद में हमारे को ट्री, अब उसके बाद क्या, सम लिटरेचर इज टू बी फाउंड इन द उपवेद दैट ट्रीट्स ऑफ मेडिसिन आर्चरी आर्टिस्ट इन आर्ट था। अब कास्ट सिस्टम क्या था, इन इट्स रिजिड फॉर्म में था, डिड नॉट एज इट एग्जिस्ट इन द अर्लियर वैदिक सोसाइटी में। कास्ट सिस्टम अपना रिजिड फॉर्म में था। द वर्ड वर्ण, वर्ण हम कास्ट सिस्टम नहीं बोलेंगे या हम बोलेंगे इसका वर्ण सिस्टम, जो हमारा चार वर्णों में डिवाइड था। वो कहता था हमारा ब्राह्मण वर्ण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। हाँ, वर्ण सिस्टम को हम यहाँ कहें कि काम के हिसाब से, यूज टू आर्यंस फ्रॉम द नॉन आर्यन से। क्षत्रिय मीन्स स्ट्रॉन्ग, विप्रा मीन्स वाइस, ब्राह्मण मीन्स मेरली कंपोजर और हाइम। दे डिफरेंट ओमिनियम ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन ऋग्वेद में डिफरेंट। दोज हु बिलीव देयर वाज अ कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग द एज मेंशन, पुरुष सूक्त कहता है इन द टेंथ मंडल में ऋग्वेद के, एज पर सूक्ता कहता है द ब्राह्मण ओरिजिनेटरी फ्रॉम, ब्राह्मण कहाँ से आए हैं, ब्रह्मा के मुँह से आए हैं, क्षत्रिय उसके शोल्जर से आए, वैश्य ब्रह्मा के स्टमक से आए, शूद्र जो आए हैं उनके फीट से आए। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से जो सूक्त में क्या लिखा गया है, यहाँ से इन पुरुष सूक्त में यहाँ से लेके फीट तक। अदर्स हु से दैट कोई कास्ट सिस्टम था वाज पुट फॉर हाइम इन ऋग्वेद, आई एम अ पोएट, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय मदर इज अ ग्रैंडर ऑफ कौन, दिस हाइम प्रूव फैमिली एनीबडी कुड, मतलब कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम ऐसा था, रिजिड था, कुछ लोग कहते वर्ण सिस्टम था कि पुरुष सूक्त के मंडल 10 में बोला गया ऋग्वेद के कैसे था कि ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण निकले हैं, वैश्य निकले हैं पेट से, क्षत्रिय निकले उनके सोल्जर से स्ट्रांग होते हैं क्योंकि शूद्र निकले पैरों से। कुछ कहते हैं कि कोई कास्ट सिस्टम था जिसका जो मन करता था वो ले सकता था, जो बनना चाहता वो बनते थे। पोइट वो कहता मैं पोइट हूँ, मेरा फादर तो डॉक्टर है पर मेरी मदर एक ग्राइंडर है कॉर्न्स की। इसका मतलब प्रूव है कि फैमिली एनीबडी कुड अडॉप्ट एनी प्रोफेशन एंड देयर वर नो कास्ट सिस्टम एट दैट टाइम, ठीक है, ये बता रहे हैं। और जो पुरुष सूक्त की बात करें वो ऋग्वेदी पीरियड में लेटर एज में है, मोरालिटी पे फोकस था, जैसे हमने द मोरल्स हाई मोरल्स थे ऋग्वेदिक पीपल के, प्योर थे। रॉबरी एंड अदर क्राइम वो रेयर होते थे, मतलब कि रॉबरी रूबरी चोरी चोरी और अदर क्राइम नहीं होते थे वहाँ। हॉस्पिटैलिटी वाले वर्च्यू थे, एक दूसरे की सेवा भाव रखना, मतलब कि हाई मॉरल सोसाइटी थी। अडल्ट्री वाज रिगार्डेड, मतलब कि सिडक्शन होना, अडल्ट्री करना, ये एक पाप समझा जाता कि हमने वाइफहुड का कंसेप्ट पढ़ा कि पवित्रता की बात करते हैं वहाँ, चेस्टिटी की बात करते हैं। एजुकेशन कैसे, सेवरल हाइम्स ऑफ ऋग्वेद थ्रो लाइट ऑन द एजुकेशन सिस्टम, इट वॉज ओरली दी जाती थी आश्रम में गुरु के दी जाती थी। वुमेन एजुकेशन की भी बात थी वहाँ, वुमेन को भी दी जाती थी, यानी कि आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ एजुकेशन कम्प्लीट होने के बाद वो गुरु दक्षिणा देते थे अपने गुरु को, एजुकेशन ये था। अभी हमने क्या कर लिया, सोशल लाइफ डिस्कस करी है, अब हम कहने रहे वो अपना इकोनॉमी को चलाने के लिए, अपना जीवन भरण करने के लिए उन कैसे वो काम करते थे, उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। एग्रीकल्चर मेन प्रोफेशन था वहाँ का, ठीक है, एग्रीकल्चर वाज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। लैंड फिट थी कल्टीवेशन के लिए, उर्वर क्षेत्र, सच लैंड इन द विलेज वाज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और फार्मर्स ओन करते थे, मतलब कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कल्टीवेशन, टीलिंग ऑफ द सेट, पूरा उसका कंसेप्ट समझाया गया एग्रीकल्चर का, कैसे कल्टीवेशन से हार्वेस्टिंग से लेके सारा मैन्योर डालना, मतलब कि पूरा एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। अगर कोई पूछे उर्वा क्षेत्र विलेज ओन बाय ये, ठीक है, सच लैंड। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या था, डोमेस्टिक पशुपालन भी करते थे वो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। द रियरिंग ऑफ कैटल वाज अनदर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था आर्यंस का, जो गोपा से डेली लेट द हर्ड, मतलब कि जैसे कि जो ग्वाले थे वो लेके चले जाते थे रोज अपनी गायों को पैस्चर लैंड के पास, वो विलेज की वहाँ से वो चर के आ जाती थी। द काउज एंड ऑक्सन वर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर के लिए, उनको एग्रीकल्चर में भी यूज होते थे काउज और ऑक्सन खेत जोतने के लिए। अब तो ट्रैक्टर ट्रुक्टर आ गए हैं, पहले नहीं था ना। मैन वेल्थ वाज कंटेंड इन टर्म, मतलब कि जो आदमी की वेल्थ किस में देखी जाती थी, जैसे आज हम बोलेंगे उसको इतनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद इतना ऑर्नामेंट्स, पहले वेल्थ की चाहिए जिसको इतनी गायें होंगी उसको उतनी वेल्थ होगी। मैन वेल्थ कैसे डिफाइंड होती थी, काउंटेड इन टर्म्स ऑफ काउ, जितनी उसके बाद गायें होंगी उतनी वेल्थ होगी। द ड्रॉट ऑक्स हॉर्स चोक शीप हो गया डॉग हो गया गोट अनदर इंपॉर्टेंट यूजफुल एनिमल्स थे। इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्रियल आर्ट्स को उन्होंने डेवलप करा, वेरियस ग्रुप ये वीवर्स हो गए, टैनर्स हो गए, पोर्टर्स हो गए, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ्स हो गए, लोहार सुनार, ये सारे
वुड वर्कर्स थे, मेड वुड वर्कर्स की बात करी गई, मतलब इंडस्ट्रियल भी फ्लरिश था आर्यन ऋग्वेद में। वुड वर्कर के वो बना रहे, रथ बना रहे, वैगन हाउसेस बना रहे, बोट्स बना रहे, स्किल्स दिखा रहे हैं अपने, ऑर्नामेंट्स डिफरेंट काइंड के बन रहे हैं इंक्लूडिंग गोल्ड और आल्सो मेड होते वर्क। लेदर के वर्कर्स की बात करें, देखो ना गोल्ड स्मिथ, वीवर्स, टैनर्स, वुड वर्कर्स हो गए, ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं हमारे, हेलमेट आर्मर्स बन रहे हैं, लड़ाई के लिए सामान बन रहा है, ठीक है, ये सारा सर्च आर्टिकल्स, वीवर्स इंक्लूडेड वुमेन, ये सारी इंडस्ट्रीज आ रही है इसके अंदर। वेपन इंडस्ट्री भी आ रही है हमारे, फिजिशियंस भी आ रहे हैं क्यूरिंग डिसीजेज, चार्म्स, मतलब कि वो मंत्र वगैरह जब के भी बीमारियां ठीक कर देते थे। मेटल वर्कर्स की बात करी जा रही है, ठीक है, सारे वर्कर्स आ रहे, कपड़े बुनाई से लेके गोल्ड स्मिथ से लेके मेटल वर्कर से लेके वेपन से लेके कपड़ों से लेके सारे इसमें आ गए हैं। फिजिशियंस भी आ गए हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज आ रही है हमारी। अब आगे ट्रेड एंड कॉमर्स वाज नॉट येट इतना डेवलप नहीं था, बार्टर सिस्टम द यूजुअल मेथड, मतलब कि बार्टर, कोई गोल्ड कोइन नहीं मिले हमारे को इस डिस्कवर हुए इस पीरियड में। वो निष्का गोल्ड ऑर्नामेंट द शेप ऑफ नेकलेस और नेकलेट हैज बीन मेंशन, मतलब कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स की डिफाइन करे, गोल्ड कोइन नहीं बताए, जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो कहती थी, यूनिट थी वैल्यू की, वो काओ थी, कोई कॉइन्स कोई बार्टर सिस्टम था, मेरे को चावल दे मेरे से जूते ले, मतलब ऐसे सिस्टम चल रहा था वहाँ। आर्यन आल्सो यूज शिप्स एंड वो ट्रांसपोर्ट गुड्स वगैरह के लिए यूज़ करते थे वो, और उसके बाद रोड्स जो थे वो कंस्ट्रक्टेड हो रखी थी ट्रेड और कॉमर्स के लिए, ये इतना डिफाइन किया, बार्टर सिस्टम था वहाँ मेनली, अगर कोई पीछे, क्योंकि वहाँ से कोई भी हमारे को कॉइन, नो गोल्ड कॉइन्स हैव बिन डिस्कवर्ड, स्टैंडर्ड यूनिट कहती वो काउ को ली थी। अब हाउस बिल्डिंग एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, विलेज मतलब ग्रुप ऑफ ड्वेलिंग्स या रेजिडेंशियल हाउस थे, ये एक दूसरे के साथ साथ बने हुए थे सेफ्टी के लिए, सम ये हाउसेस का स्ट्रक्चर बता रहा है, हैज विथ प्रोटेक्टिव वॉल्स थी अगेंस्ट द एनिमी एंड वाइल्ड बीस्ट से बचाती थे। देर वर प्रोबेबली मड फोर्ट्स इन द विलेजेस के किले बने होते थे मिट्टी के, फॉर जस्ट आउटसाइड इट विच कुड बी यूज इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी सच अ रेड बाय द एनिमी ट्राइब्स और इनवेंट फ्लड के टाइम में उन मिट्टी किलों पर चढ़ जाते थे, मतलब ये दिखाया गया। हाउसेस से वो वुड और मड के बने होते थे, द बीम्स वर मेड ऑफ बैम्बूस की बीम्स बनी होती थी, दे वर रेफरेंस टू मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का भी होते थे, कार्ट से जाते थे, कैरियर से जाते थे, जैसे अब तो लोगों का गाड़ी है अपनी अपनी मोटरसाइकिल है ये सब कुछ नहीं था, हम बता रहे हैं कार्ट से रथों से जाते थे, कार्ट्स वर ड्रोन बाय ऑक्सन चलाते, ये सारा को डिफाइन किया। ट्रैवलिंग कॉमन थी वहाँ की, प्रेयर्स वर ऑफर टू गॉड टू द फॉर द सेफ्टी ऑफ जर्नी, जर्नी से निकलने से, देखो कुछ कुछ सिस्टम है ऋग्वैदिक एज का वो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, प्रेयर्स ऑफर करी जा रही है, ठीक है, मोरालिटी आज भी कुछ हद तक लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आज हमने डिस्कस करी है सोशल इकोनॉमिक लाइफ, और हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस एंड रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइफ रहती है जो, हाँ पॉलिटिकल लाइफ है। थैंक यू वेरी मच, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना, थैंक यू।